जब तक स्टूडेंट यूनियंस हम नहीं बहाल कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यूनियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दो धड़ों को जो है वो डंडे लेके एक दूसरे के पीछे भागना शुरू हो जाएं या इस तरह की हरकतें। एक प्रॉपर रेगुलेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए स्टूडेंट यूनियंस का। स्टूडेंट यूनियंस जो बाहर के ममालिक में होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टिजन पॉलिटिकल नहीं होती, वो पॉलिटिकल होती हैं कि वो स्टूडेंट्स के इश्यूज उठाती हैं, वो स्टूडेंट्स की बातें करती हैं, वो कॉलेज की फीस की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, इंक्लूजन की, इस किस्म की बातें रेज करती हैं। वो ये नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों में जो है हम अपनी अपनी पार्टियों के झंडे उठा के फिरते रहें। वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो है हमें वापस तारुफ उसका कराने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बन सकें और वो आहिस्ता आहिस्ता सीख के ऊपर आए। लैटरल जो इंक्लूजन होती है वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव कभी भी नहीं होती जितनी आप वर्टिकल प्रोग्रेशन को देखते हैं बच्चे। तो ये मेरा लास्ट एक स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से है कि हम जितना जल्द कर सकें उतना बेहतर। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1993 की, जिसकी जजमेंट से पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन कैंपसेस के ऊपर एक बैन लग गया था। अब वो जजमेंट जो है वो एक रुकावट है। उसके अलावा हुकूमत ने कहा था, हम सब ने मिलकर, कि हम देखेंगे इसको असरे नौ कि किस तरह हम वो पैरामीटर्स या कुछ बाउंड्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके अंदर रहकर स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज थ्रू यूनियंस करें कैंपसेस के अंदर, बट किसी भी तरीके से वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो वायलेंस के अंदर कन्वर्ट ना हो, और ये बहुत अहम है। तो बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर फिलहाल तो एक डिस्कशन ही हो रही है, इसके कानूनी निकात को देखा जा रहा है और इसकी पॉलिसी को भी देखा जा रहा है, बट आई बिलीव कि जल्द ही इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। और इस डिस्कशन के बाद आई थिंक आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई पार्टी एंड फाइंड आउट कि हम क्या कर रहे हैं एज हुकूमत वक्त to ensure कि स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं वो वापस बहाल हो जाएं और स्टूडेंट्स को ये मौके फराहम हो जिसके थ्रू वो सियासत कर सके। स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से बड़ी अच्छी बात की। वी ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि किसी भी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देना उसका हल नहीं होता है। रेगुलेशन करना ज़रूरत होती है डेफिनेटली। यंग लोग होते हैं, समटाइम्स सम ऑफ देम आर सम ऑफ देम एग्रेसिव, सम ऑफ देम आर यू नो मोर एक्टिव देन द अदर्स। उसमें जाहिरी बात है कि जब जो जब लोग ज़्यादा जवान होते हैं तो ज़्यादा जोश और वलवला होता है, तो उस जोश और वलवले को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर वेटरन्स का काम आ जाता है, एक्सपीरियंस लोगों का। लेकिन बैन करना, पाबंदी लगा देना, ये कभी भी मसले का हल नहीं होता। सो वी बिलीव फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल होना चाहिए और उनको मौके मिलने चाहिए। डेफिनेटली डिबेट कर, देखिए आज के दौर में आप किसी भी शख्स को, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, आप उसको सियासत से अलग नहीं कर सकते। नोबडी इज़ एपॉलिटिकल। जो पाकिस्तान की स्टूडेंट यूनियंस हैं वो सियासत ने बैन नहीं की हुई, वो कोर्ट ऑर्डर से बैन हुई हुई है। उसके हमारे पास उसका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, उसका पार्लियामान से ताल्लुक नहीं है। जियाउल हक की डिक्टेटरशिप में ये बंद की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से स्टूडेंट यूनियंस बैन है। इसमें हमें कोर्ट जाने की जरूरत है। दिस हैज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट्री, यू नो दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट्री प्रॉब्लम। हमें डिबेट करनी है, रिप्रेजेंटेशन देनी है, उसकी इफेक्टिव पॉलिसी सामने लानी है, स्ट्रक्चर देना है, लेकिन बैन जो लगा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की वजह से लगा। ठीक,